मेष राशि के साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं। ससुराल पक्ष की चिंता इस सप्ताह आपको हो सकती है। शिक्षा में बाधा भी उत्पन्न हो सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी जरूर रखें। स्वास्थ्य आपका गड़बड़ हो सकता है। व्यापार में अपनी बुद्धि विवेक से अच्छा लाभ भी आप इस सप्ताह कमा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। बात करते हैं इस सप्ताह एक उपाय की। मेष राशि के जातक, इस सप्ताह चैत्र नवरात्र चल रही है तो माँ दुर्गा को लाल रंग की चुनरी अवश्य भेंट करें। माँ दुर्गा आपके सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। वृषभ राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। दैनिक कार्यों में विलंब आपके इस सप्ताह हो सकते हैं। व्यापार में साझेदारी से लाभ भी आपको होने वाला है। राजकाज में सफलता भी मिल सकती है। घर में किसी नई वस्तु की खरीदारी भी इस सप्ताह आपको हो सकती है। संतान से सुख और सहयोग भी इस सप्ताह आपको भरपूर मिलने वाला है। वृषभ राशि के जातक, इस सप्ताह चैत्र नवरात्र का महापर्व चल रहा है तो इस सप्ताह माता दुर्गा को लाल फूल के साथ में कोई लाल फल भी माता को अर्पित कीजिए। माता आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगी। मिथुन राशि के जातकों का साप्ताहिक राशि फल। माता पिता आपके व्यवहार से इस सप्ताह खुश रहने वाले हैं। लंबे समय से चली आ रही कोई चिंता इस सप्ताह आपको उससे मुक्ति भी मिल सकती है। सेहत को लेकर थोड़ी परेशानी जरूर होगी लेकिन समय के रहते वो भी ठीक हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व भी सप्ताह बढ़ने वाला है। मिथुन राशि के जातक, इस सप्ताह एक उपाय जरूर करें। क्या करना है? चैत्र नवरात्र पर्व चल रहा है, माता के मंदिर में जाकर माँ दुर्गा के बीज मंत्र का जप जरूर करें। इससे आपके कार्य जो रुक रहे हैं, कार्य में बाधाएं आ रही है, वो पूरी होने लगेगी। बात करते हैं अब कर्क राशि के जातकों का साप्ताहिक राशि फल। व्यापार व्यवसाय में अच्छा मुनाफा इस सप्ताह आपको होने वाला है। माता पिता की सेवा का भाव भी आपके मन में रहेगा और आप भरपूर माता पिता की सेवा भी इस सप्ताह करने वाले हैं। रचनात्मकता की ओर रुझान भी आपका बढ़ने वाला है। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार भी इस सप्ताह आपको मिलने वाला है। समाज में आपका मान सम्मान भी इस सप्ताह बढ़ने वाला हो सकता है। कोई सम्मान आपका बड़े स्तर पर भी। कर्क राशि के जातक, इस सप्ताह चूंकि चैत्र नवरात्र पर्व चल रहा है तो चैत्र नवरात्र में माता के मंदिर में जाकर के शाम के समय या सुबह के समय आटे का दीपक बना करके जिसमें 5 बत्तियां रखी हो वो माता के सामने जला दीजिए और माता की 7 परिक्रमा कर लीजिए। आपके सारे कार्य सफल होते चले जाएंगे। साथ ही आपके जीवन में कभी धन का अभाव भी नहीं रहेगा। सिंह राशि के जातकों के साप्ताहिक राशि फल की बात करते हैं। सिंह राशि के जातकों का साप्ताहिक राशि फल। साझेदारों से मधुर संबंध इस सप्ताह आपके बनने वाले हैं। पति पत्नी के बीच गलत फहमियां भी दूर होने वाली है। व्यापार में निवेश का जोखिम न ले, अगर कुछ करना चाहे तो किसी से सलाह जरूर ले। सामाजिक कार्यों में व्यस्तता इस सप्ताह आपकी बढ़ने वाली है। रोजगार के उचित अवसर भी उन लोगों को प्राप्त होंगे जो रोजगार का इंतजार कर रहे हैं। इस सप्ताह आप एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिए। चैत्र नवरात्र पर्व चल रहा है, चैत्र नवरात्र पर्व में चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर या अपने घर में ही कुछ कन्याओं को भोजन जरूर कराइए। कन्या की उम्र 3 साल से लेकर के 7 साल तक होनी चाहिए। कन्या राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। विपरीत समय में परिजनों का भरपूर सहयोग भी इस सप्ताह आपको मिलने वाला है। आध्यात्मिक व दर्शन के प्रति रुचि भी बढ़ने वाली है। किसी से विवाद की स्थिति इस सप्ताह बन सकती है। मित्रों से अपेक्षित सहयोग भी इस सप्ताह आपको बिना मांगे मिलने वाला है। राजकीय कार्यों में सफलता भी इस सप्ताह आपको मिलने वाली। वाहनों का प्रयोग थोड़ा सावधानी से करें। एक उपाय जरूर करें, इस चैत्र नवरात्र पर्व में माँ दुर्गा को लाल चुनरी, लाल फूलों की माला मंदिर में जाकर जरूर चढ़ाए। संभव हो तो किसी प्राचीन मंदिर में जाकर के ये उपाय आप कीजिए। आपकी सारी इच्छाएं माता जगत जननी पूरा कर देगी। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों का साप्ताहिक राशि फल। व्यापार में कोई नया अनुबंध इस सप्ताह होने वाला है।
पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता भी सप्ताह बनी रहेगी। संतान आपकी आज्ञा में रहने वाली है, आपका कहना भी मानने वाली है। कोर्ट के कामों में सफलता इस सप्ताह आपको मिलने वाली है। धर्म के प्रति रुचि भी इस सप्ताह बढ़ने वाली है। अपनी मधुर वाणी का लाभ जरूर लीजिए, आपके कोई रुके हुए बड़े कार्य भी पूरे हो सकते हैं। इस सप्ताह चैत्र नवरात्र पर्व है। चैत्र नवरात्र पर्व में एक उपाय आप जरूर करें। क्या करना है? नौ रंग के फल या नौ रंग से बनी हुई कोई मिष्ठान्न माता रानी को भेंट कीजिए पूरे नौ दिन। निश्चित रूप से माता की कृपा से आपके जीवन में मंगल ही मंगल होने लगेगा। वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल। काम काज में कोई खास उपलब्धियां इस सप्ताह आपको मिलने वाली है। रुके हुए कार्य भी इस सप्ताह तेजी से प्रगति करने वाले हैं। पुराने मित्रों से मिलन भी आपका इस सप्ताह हो सकता है अचानक ही। आय के स्रोतों में बढ़ोतरी होने वाली है। स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद भी इस सप्ताह आप ले सकते हैं। निवेश अगर आप करेंगे तो निवेश आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। उपाय क्या करना है इस सप्ताह? एक छोटा सा उपाय जरूर करें, क्योंकि चैत्र नवरात्र पर्व चल रहा है तो माता दुर्गा के मंदिर में नौ दिनों तक रोज जाकर के एक आटे का बना दीपक जरूर जलाइए, और दीपक जलाने के बाद में चंदन की सुगंधित धूप भी माता को अर्पित कर दीजिए, और माता से आपकी जो भी इच्छा है माता के सामने प्रकट कीजिए। निश्चित रूप से वो इच्छा माता रानी पूरा करेगी। धनु राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। व्यापार के कोई भी निर्णय आवेश में आकर लेने से इस सप्ताह बचे। शत्रु आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं, इससे भी सावधान रहे। घर में किसी के स्वास्थ्य की चिंता भी आपको हो सकती है, लेकिन प्रेम संबंधों में सफलता मिलने वाली है। यात्रा धन लाभ देने वाली साबित हो सकती है। अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं तो आपको उससे धन लाभ मिलने वाला है। उपाय क्या करना है इस सप्ताह? एक छोटा सा उपाय जरूर करें। क्या करें? चैत्र नवरात्र पर्व चल रहा है। चैत्र नवरात्र पर्व माता दुर्गा की आराधना का विशेष पर्व माना जाता है, तो इस सप्ताह पूरे नौ दिन तक के माता के नौ रूपों की आराधना कीजिए, और नौ रूपों के लिए अलग अलग अपने घर में अगर संभव हो तो नौ दिन तक किसी छोटी कन्या को भोजन जरूर कराइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनको कुछ ना कुछ भेंट जरूर कीजिए। आपके सारे कार्य सफल होते चले जाएंगे। मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल। युवाओं को करियर के अच्छे विकल्प इस सप्ताह मिलने वाले हैं। शैक्षणिक कार्यों में रुचि भी आपकी बढ़ने वाली है। भौतिक सुख सुविधाओं में इस सप्ताह आपको कुछ ज़्यादा ही लाभ मिलने वाला है। भाई बहन के बीच प्रेम भी इस सप्ताह बढ़ने वाला है। किसी महिला मित्र का महत्वपूर्ण सहयोग इस सप्ताह आपको मिलेगा। तो चैत्र नवरात्र पर्व में माँ दुर्गा की पूजा उपासना अपने घर में जरूर करें। संभव हो तो परिवार के सभी सदस्य बैठकर माँ दुर्गा की चालीसा का पाठ करें। इससे आपके जीवन में अगर कोई समस्या भविष्य में आने वाली है तो वो टल जाएगी या उससे आपको राहत मिलेगी। कुंभ राशि के जातकों का साप्ताहिक राशि फल। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, और घर में कोई बुजुर्ग है तो उनका आशीर्वाद लेकर ही घर के बाहर निकले। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा का कार्यक्रम भी सप्ताह बनने वाला है। स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा, अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग रहे। विद्यार्थी को अधिक परिश्रम करना होगा, लेकिन कुछ देर बाद सही आपको सफलता बड़ी मिलेगी। इस सप्ताह धन आवक के रास्ते खुलने वाले हैं। एक उपाय कुंभ राशि के जातक क्या करें? इस सप्ताह आपकी राशि का जो ग्रह है वो सूर्य है, और दुर्गा पर्व चल रहा है, तो इस नौ दिनों तक प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को ओम सूर्याय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ये दो मंत्र का उच्चारण करते हुए मीठे जल का अर्घ प्रदान कीजिए। सूर्य की कृपा से आपके कार्य सफल होंगे। मीन राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। व्यापारिक संबंधों में सुधार इस सप्ताह आने वाला है। ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ने वाली है। राजकीय कार्यों में सफलता भी इस सप्ताह आपको मिलने वाली है। कला व साहित्य के क्षेत्र में रुझान बढ़ने वाला है। पैतृक संपत्ति मिलने के भरपूर योग बन रहे हैं। यात्रा आपके लिए इस सप्ताह मंगलमय रहेगी। क्या करना है? मीन राशि के जातक इस सप्ताह
चैत्र नवरात्र पर्व चल रहा है, तो माँ दुर्गा को लाल फूलों की माला अष्टमी या नवमी तिथि को और संभव हो तो पूरे 9 दिन जरूर चढ़ाइए, फिर देखिए चमत्कार। माता की कृपा से जीवन में कभी कोई बाधाएं आपके आएगी ही नहीं।